नमस्कार ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये खबरों की शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की इस वक्त की बड़ी खबर से। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ये मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहां प्रेमिका के बुलाने पर पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने धर दबोचा और चप्पल जूतों से कर दी सुताई। प्रेमिका चुपचाप तमाशा देखती रही, उसे छोड़ देने की बात करती रही, लेकिन परिजनों से लगातार जूते चप्पलों से सुताई करते रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र राजा की रिपोर्ट। नरेश नरेश गेट लगा दो पहले। ललितपुर शहर के रैदासपुरा में पानी की समस्या को लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर में रैदापुरा क्षेत्र की महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। उन्होंने बताया कि विगत 4 महीने से पानी की एक एक बूंद को लेकर भाई सभी परेशान है और कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन इस समस्या से आज तक हमें छुटकारा नहीं दिलवाया गया। इसको लेकर वह आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अपना धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को जागरूक कर रही हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। कहाँ से हैं? क्या समस्या लेकर आई हैं? 6 महीना से बिल्कुल भी नहीं आते, बाजू बाजू में आते हम लोग, मोहल्ला के बिल्कुल नहीं आते। एक भी हैंडपम्प नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। रात रात भर मोटर चलती, बिल्कुल मोटर फुक फुक जाती है। मजदूर आदमी हम लोग मजदूर करेंगे क्या, पानी भरने जाएंगे? रावर स्कूल से बड़े पुरा से पानी भरते हैं, वहाँ पर पठा के वजह से कोई हैंडपम्प नहीं लगता। तो पानी की पाइपलाइन डली है? पानी की पाइपलाइन डली है और वो आज पहले आते थे बंद कर दिया गया, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 6 महीने होने जा रहा है। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? हम लोग एक दिन जिला के गए थे, नगर पालिका गए थे और डोड़ा घाट गए थे और जलक वाटर बक्स गए थे, कोई सुनाई नहीं हुई। ललितपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए किसानों की मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा और उन्हें तत्काल निराकरण के लिए जागृत किया। आखिर किसान यूनियन के नेताओं की क्या मांगे, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। हमारा भारतीय किसान संघ ने अखिल भारतीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया था और सरकार को ज्ञापन दिया था कि 10 दिन में हमें इसका जवाब मिलना चाहिए। 10 दिन में जवाब नहीं मिला तो आज पूरे देश में भारतीय किसान संघ सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। किसानों को लागत जोड़कर, लागत पर 20% लाभांश जोड़कर किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। नगर पालिका परिषद ललितपुर में तैनात आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की मांगे आखिरकार नगर पालिका प्रशासन को माननी पड़ी और सफाई कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है, लेकिन उनके वेतन के संबंध में भ्रमित किया गया था, जिसमें कर्मचारियों की वेतन राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से करने का पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ, ट्रेड यूनियन एवं महादलित परिसंघ राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई, जिस संबंध में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सभी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को वेतन पालिका निधि से की जाने की मांग की गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। एक माह पूर्व तालिबानी पिटाई के 4 आरोपी चढ़े तालभेट पुलिस के हत्थे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने से पुलिस प्रशासन में मचा था हड़कंप। लगभग एक माह पूर्व रस्सी से एक युवक के हाथ पर बांध कर गांव के दबंगों ने दिया था घटना को अंजाम। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना तालबेट पुलिस ने धारा 147, 323, 504, 506, 342 IPC में अभियुक्त नंबर 1 प्रकाश उर्फ बड़े पुत्र कलुआ, नंबर 2 राजा राम पुत्र ग्यासी, नंबर 3 मुकेश पुत्र ग्यासी, नंबर 4 राजू पुत्र ग्यासी, हरदेव पुत्र दलू, रूपलाल पुत्र दलू, अर्जुन पुत्र रमेश और किशन पुत्र राजाराम, समस्त निवासीगण तहसील तालबेट अंतर्गत ग्राम तरगुआ, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तालबेट से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट।
ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल। आज समिति के 5 सदस्यों ने रक्तदान कर किया पुण्य का कार्य। समिति के सदस्य मनीष राय, विक्रम राज, सोनू जैन, सुनील श्रीवास्तव, आलोक चंदेल ने किया। इधर समिति के एवं अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में डोनर कार्ड के जरिए रक्त कोष से ब्लड दिलाकर की 2 परिवारों की मदद। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों जल्दी लखपति बनने के चक्कर में गांव के दबंग लोगों द्वारा खनन विभाग की उदासीनता का फायदा उठाते हुए जिले के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में चाइना बालू का खूब फल फूल रहा है, गोरख धंधा। लेकिन प्रशासन और खनन विभाग जान बूझ कर बना हुआ है अनजान। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार के साथ लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर में आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज हेलमेट रैली को पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक द्वारा पुलिस कार्यालय स्थल से हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना किया जाएगा। रवाना यह रैली पुलिस ऑफिस से वर्णी चौराहा, रेलवे स्टेशन, तुमन मंदिर, इलाइट होते हुए घंटाघर पर समाप्त होगी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र राजा की रिपोर्ट। नगर में नगर पालिका का वृहद स्तर पर चला नगर में विशेष सफाई अभियान। ललितपुर में डेंगू बुखार के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए और इसके बचाव को लेकर ललितपुर नगर पालिका प्रशासन का नगर में चला वृहद स्तर पर सफाई अभियान, जिसमें नगर पालिका परिषद की सफाई कर्मियों की टीम मौके पर पहुंचकर नगर के वार्डों में किया गया दवा का छिड़काव। साथ ही लोगों से घरों में साफ सफाई के साथ रहने की अपील की गई और बताया कि किसी भी दशा में अपने आसपास मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को नहीं पनपने दें, जिससे इस विचित्र और डेंगू बुखार की बीमारी से बचा जा सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार के साथ महेंद्र राजा की रिपोर्ट। ललितपुर शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर आने वाले समय में समस्या ले सकती है विकराल रूप धारण, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर लोगों को अतिक्रमण के प्रति जागरूक भी किया जाता है और अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन इसका असर मात्र कुछ समय के लिए ही देखने को मिलता है और कुछ समय पश्चात बाद ही उससे भी ज्यादा अतिक्रमण फैल जाता है। ये एक यहाँ की बहुत बड़ी समस्या जो कि ललितपुर शहर में देखने को मिली है। अगर हम यहाँ शहर की सड़कों की बात करें तो विगत कई वर्षों से यहाँ की सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं और अतिक्रमण फैलता जा रहा है। अतिक्रमण की इस बड़ी विकराल समस्या के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, यह अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। सभी जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से कतराते हैं। अगर इसके खिलाफ आवाज और बोलने की हिम्मत करता है तो वह यहां से निकलने वाले राहगीर और दुकानदार। शहर में कोड़ की तरह फैल रहे अतिक्रमण पर यहां के स्थानीय दुकानदारों का क्या कहना है और मानना है, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। मेरा नाम मनीष कुमार जैन है। मनपसंद गारमेंट मेरी नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में शॉप है। दरअसल क्या है भाई साहब, इधर पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो नगरपालिका कॉम्प्लेक्स में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से हम लोगों की दुकान खुलने से पहले से ही ठेले लग जाते हैं, ना कोई कस्टमर एंटर कर पाता है। लाखों रुपए हम लोग पगड़ी देके किराया अलग देते हैं, पगड़ी लेके हमने ना तो किराया वहन कर पा रहे हैं, जो बैंक से लोन लिया हुआ है ना वो चुका पा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इवन बोनी के भी लाले पड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं होता है। कई बार प्रशासन को भी हम लोगों ने इस चीज़ के लिए बोला है कि अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे कस्टमर नगरपालिका में कॉम्प्लेक्स में आ सके, हम लोगों की बोनी वगैरह हो चुके, कुछ तो पैसा आए। कई बार सर पुलिस चौकी में भी हम लोगों ने जाके अपनी समस्या को रखा है। इधर पे एक समस्या और है सर कि छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, तो जो भी कस्टमर्स आते हैं तो वो उनको पकड़ लेते हैं, पैसा मांगते हैं। और कोरोना काल में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कस्टमर्स को वो पकड़ते हैं तो वो लोग इधर पे आना पसंद नहीं करते, इसको भी निवारण किया जाए। हमारी नगर पालिका के अंदर दुकान है, बाहर बहुत अतिक्रमण रहता है, जिससे कोई भी ग्राहक अंतर एंटर नहीं कर सकता है। गाड़ी खरीदे करने के लिए कोई जगह नहीं रहती है। हम लोग बहुत, सभी दुकानदार बहुत परेशान हैं और किराया निकालना भी बहुत मुश्किल है। ये कहना है कि नगर पालिका के सामने अतिक्रमण लग जाता है और ठेले लग जाते हैं, इसमें कस्टमर आने के लिए जगह ही नहीं है। हम दुकानदार सब कर्जदार हैं और नगरपालिका के कर्जदार बने फिर रहे हैं। दुकानदारों ने पगड़ी ले लेके दुकानें ली हैं, ना उनका किराया दे पा रहे हैं, तो कर्जदार हैं और ये अतिक्रमण है। गाड़ियां घोड़े रखने की जगह नहीं है, समझ में नहीं आता क्या करें हम लोग।
सैदपुर शहर में आज भीषण उमस भरी गर्मी के बीच आज दोपहर अचानक हुई जोरदार बारिश से शहर के लोगों को राहत मिली, लेकिन दूसरी ओर तेज बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भरा, जिससे राहगीरों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सैदपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। आइए डालते हैं अब एक नजर सैदपुर जिले के डीएम और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से आए फरियादी अपनी अपनी क्या समस्या लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास फरियाद लगाने आए और उनकी क्या है समस्याएं तथा किस तरह होता है उनकी समस्याओं का निराकरण। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। क्या नाम है आप? राम सिंह। कहाँ से आए हैं? क्या समस्या लेकर आए हैं? क्या समस्या लेकर आए साहब? के कल 12:30 बजे की बात है कि हमारी बहू को इन लोगों छेका था, इसलिए हमने कोर्ट से कार्रवाई करी थी। अब देखते हैं क्या राजीनामा करना थी, तुम्हें कुलाई से काट के ढूंढ गए तो काल कुलाई लेके आ गए थे। गाँव के लोगों ने बीच बचाव दिया, इसीलिए हम बच गए, ना कि हमें काल कुलाई के बिल्कुल गारंटी से मार रहा था। आज हम एसपी साहब के लगा न्याय के लिए आए। हमारा नाम अंकित कुमार आचार्य है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे गांव में जो सफाई कर्मचारी पंचायत दशहरा ब्लॉक बार में आता है, और इसकी हमने कई बार सूचना दी और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की, लेकिन वो आता नहीं। कई बार फ़ोन लगाते, प्रधान ने भी कई बार फ़ोन लगाया, वो आता नहीं। किसी के कहने से अधिकारियों की खामत करता है और ब्लॉक ही में रहता है, गाँव में नहीं जाता कभी। और 3 महीने से हम लोग उसको बुला रहे हैं, वो आता नहीं गाँव में। हमारी काफ़ी गंदगी फैली हुई है गाँव में, और उस बीमारी के दौर में सफाई नहीं हो रही हमारे गांव में। और ग्राम पंचायत जो भवन होता है, पंचायत भवन, उसमें इतना कचरा है कि कुछ कह नहीं सकते। दादा क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? वीर सिंह है सर। कहाँ से आए? करमरा से। क्या समस्या ली? सन 1977 में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना लागू की गई, उस वक्त 2000 जो है बंद की गई थी, इसलिए पुनः लागू की जा रही है। ये सर प्रधानमंत्री के लिए भी और डीएम का कई बार दफे कर चुके, और अपने गांव में हनुमान गरीब भूखा चालू बैठे थे तो एक दिन गए, उन्हें आश्वासन दिया, ज्ञापन भेजा और उन्हें दूध पिला करके हमको उठा दिया। अब जो कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, घंटाघर पे भी किया कई बार, घंटाघर पे किया, कोई सुनवाई होने पर सत्याग्रह तब अपना रहे। आज डीएम साहब के यहाँ तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें। और आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको अपने जिले की यह छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.